परम सत्कार योग सास संगत जी अपनी अपनी रसना नु पवित्र कर लिए ते आख लिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। सास संगत जी, अज की साखी का विशा है दया का सागर। बेअंत पातशाह जी बालक रूप विच रामसर दे किनारे खेड रहे सी। भैणी साहब तो एक पिंड उपला को 2 किलोमीटर दूरी ते है। उत्थों दी एक माई गड्डे ते बैठी रोंदी होई जा रही सी। जदों गड्डा गोल मंदिर दे कोल पहुंचिया तां बेअंत जी ने पुछिया कि इह माई क्यों रो रही है। तां सेवका ने दस्या कि इस माई दे पुत्तर नूं अज फांसी होनी है अते इह पुत्तर दी लाश लैण जा रही है। कृपा सागर जी दया दे घर विच आए अते हुकम कीता कि इस माई नूं आखो कि ना रोवे, इसदा पुत्तर बरी हो जावेगा। उत्थे सतगुरु जी ने कृपा कीती अते जज दे हिरदे विच जा वसे। जज ने फैसला दे दिता कि इसे पुत्तर नूं बरी कीता जांदा है। माई दा रोना खुशी विच बदल गया, गमा दी जगह खुशियां ने लै ली। माई शुकर शुकर कर दी माया पेट कर लई। श्री भैणी साहब सतगुरु प्रताप सिंह जी दी सेवा विच हाजर हुई। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने इस भेटा दा कारण पुछया तां माई ने दस्या कि मेरा पुत्तर साहिबजादियां दे बचन नाल फांसी तो बरी हो गया है। सतगुरु जी ने परदा पाउण लई बचन कीता कि माई एवें नहीं बच्चियां दीआं गल्लां च जाईदा, तेरा पुत्तर ते वैसे ही बरी हो जाणा सी। माई दे जाण तों बाद सतगुरु जी बालक रूपी जगत दे पालनहार साहिबजादे जगजीत सिंह जी दे ते बड़े नाराज़ होए कि तुसीं हुणे ही क्यों करमातां दिखाउण लग पए हो। सत श्री अकाल।